Kasaga everyone, this is Ankush, aka Karma Traveler. I'm bringing you a brand new series of content called Karma Talks. In Karma Talks, हम लोग ऐसे लोगों की बातें करेंगे जो हमें inspire करते हैं, जो अपने कर्म से दुनिया को better कर रहे हैं और positivity फैला रहे हैं. And today's episode is one such phenomenal episode about an incredibly inspiring personality. हमारे देश में इंडिया में जब क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो कुछ ऐसी चीजें हमारे कानों पे पड़ती है. ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए. बट दिस इज नॉट व्हाट लिसिप्रिया बिलीव्स इन. इनफैक्ट जब वो सिर्फ 5 साल की थी लगभग, तो 2015 में जब नेपाल का अर्थक्वेक हुआ था, तो उसके पिताजी के साथ वो नेपाल के अर्थक्वेक के फंड रेजिंग के लिए उसने ट्रैवल किया. एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वेयर शी सॉ नेचुरल डिजास्टर्स. उसने देखा कि बच्चे, माएं, बुजुर्ग, कितने सारे लोग हैं जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं. एंड दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द क्लाइमेट. जब आप 5 साल के थे तो आप क्या कर रहे थे? वर यू डूइंग दिस और दिस, या फिर आप ये कर रहे थे? In 2-3 years, मंगोलिया में जब AMCDRR, जो एशियन मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हुआ था 2018 में, शी ट्रेवल्ड विद हर फादर. And that is where she took the stage for the first time and spoke in front of people. The kind of response that she got made her start her own organization called the Child Movement. Ji haan, lagbhag 6-7 saal ki umar mein hi Lisipriya ne ek sanstha sthapit kari jiska basic agenda tha ki climate change ke upar hamare ministers ke saath, hamari sarkar ke saath zyada se zyada samvad ho sake. Kuch hafton ke liye Delhi mein sansad ke samne क्लाइमेट चेंज के लिए धरना रखा. उसकी मांग थी कि मोदी सरकार जो है वो क्लाइमेट चेंज को सीरियसली ले, वो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए, कॉम्बैट करने के लिए नए कानून पास करे, हिंदुस्तान के स्कूलों में, तमाम स्कूलों में क्लाइमेट चेंज को पढ़ाया जाए. सो हाउ इज इट दैट अ 7-8 ईयर ओल्ड गर्ल इज सो क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स टू डू. लेट्स हियर इन हर ओन वर्ड्स. And another world's possible, and the change is possible. The change starts from ourselves. If you can change yourself, then you can change your family. If you can change your family, then you can change your neighborhood. If you can change your neighborhood, then you can change your community. If you can change your community, then you can change your country. If you can change your country, then you can change the whole world. है ना कमाल की चीज. अब कुछ मीडिया ने, इंडियन मीडिया ने, कई लोगों ने उसको इंडिया का ग्रेटा थुनबर्ग कहा है. द 17-year-old स्वीडिश क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिसने पूरी दुनिया में एक मूवमेंट शुरू कर दी जहां पे स्कूल के बच्चे आ आके प्रोटेस्ट करते थे क्लाइमेट चेंज के खिलाफ. बट लिसिप्रिया का कहना है कि अगर आप उसे इंडिया की ग्रेटा थुनबर्ग कह रहे हैं तो आप उसकी कहानी को खारिज कर रहे हैं. शी इज सेइंग दैट यू आर डिलीटिंग माय ओन स्टोरी. इन हर वर्ड्स, शी स्टार्टेड एक्टिविज्म मच बिफोर ग्रेटा थुनबर्ग और उसको ग्रेटा से दोस्ती है उसकी. पिछले साल जब स्पेन में ये लोग मिले थे मैड्रिड में COP25 पे, तो ग्रेटा और लिसिप्रिया दोनों साथ में थे. दोनों एक दूसरे के काम की सराहना करते हैं. दे वेलकम ईच अदर्स वर्क एंड दे रियलाइज दैट देयर इज सो मच मोर दैट नीड्स टू बी डन अक्रॉस द वर्ल्ड. शी एक्चुअली क्विट हर स्कूल बिकॉज उसका कहना था कि भुवनेश्वर से दिल्ली वो बार बार आ नहीं सकती थी, ट्रैवल का खर्चा बहुत होता, वो स्कूल नहीं जा पाती, वीकेंड्स पे नहीं आ पाती. सो शी जस्ट क्विट स्कूल. फिर उसको इतने ज्यादा इन्विटेशंस मिलने लग गए, इतने मीडिया ने उसको कवर किया, लगभग 5 से 6 MPs ने उसके साथ बात की, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इंडियन पार्लियामेंट में क्लाइमेट चेंज के मुद्दों को उठाया गया. लिसिप्रिया वाज वन ऑफ द डेफिनेट फैक्टर्स जिसने इस चीज को इन्फ्लुएंस किया था. बट नाउ शी इज अटेंडिंग स्कूल इन बैंगलोर. फॉर सम टाइम शी वॉज होम स्कूल्ड. अभी बैंगलोर में वो स्कूल्स अटेंड करती है और वो कहती है कि सिर्फ वीकेंड्स पे वो जाके टॉक्स देती है, सेमिनार्स में या फिर कॉन्फ्रेंसेस में जाती है. द ओनली एक्सेप्शन इज यूनाइटेड नेशंस जहां पे शी इज द यंगेस्ट पर्सन टू एवर स्पीक एट द UN. अब कई लोग कहेंगे कि अरे बच्चे है, स्कूल अटेंड करो, क्या पता रहा है, तुम्हारा काम पढ़ना नहीं है, इसके बारे में पुराने लोगों को करने दो, आ रहे इस उम्र में तो हमने क्या किया था, तुम क्या कर लोगे, हम तो इतने साल से लगे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं हो पाया. सो आई अंडरस्टैंड द पेसिमिज्म. लेकिन एक बात बहुत जरूरी है यहां समझने. हाउ सी
working on climate change is an extremely wide and diverse and a long drawn process. And of course, there are a lot of activists who have been working on this for years together. Lisipriya unki ladai ko jod hi de rahi hai. है ना, लिसिप्रिया इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म को ऐसी जगह ले गई है जहां पे वो पहले ऑलमोस्ट एब्सेंट था. द क्लासरूम्स, द पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स, द प्रिंसिपल्स ऑफिस इन स्कूल्स. आफ्टर हर एफर्ट्स राजस्थान बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहां पे उन्होंने राजस्थान के पूरे स्कूलों में क्लाइमेट चेंज के ऊपर पढ़ाई शुरू कर दी है. दैट्स राइट, इंडिया ये दुनिया का सिर्फ दूसरा ऐसा देश है आफ्टर इटली जो स्कूलों में क्लाइमेट चेंज पढ़ाना शुरू कर रहा है. मेरे ख्याल से अभी गुजरात और अन्य राज्य भी उसी रास्ते में हैं कि स्कूल से ही बच्चों को क्लाइमेट चेंज के ऊपर पढ़ाया जाएगा. और अगर नहीं पढ़ेंगे बच्चे क्लाइमेट चेंज के बारे में कम उम्र में तो फिर वो ऐसी चीजें कहते हैं और ऐसी चीजें कहेंगे. तो इन इग्नोरेंट लीडर्स की तरह हम नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के बच्चे आगे जाके युवा बने या नागरिक बने. वी वॉन्ट, वी मस्ट एब्सोल्युटली टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एक्टिविज्म. एंड लिसिप्रिया कंगुजाम, दिस फिनोमिनली इंस्पायरिंग 8-year-old गर्ल, इज टेलिंग अस हाउ वी शुड बी डूइंग इट. सो दैट्स इट, दैट वॉज द एपिसोड ऑन लिसिप्रिया कंगुजाम, अ फिनोमिनली इंस्पायरिंग 8-year-old क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट फ्रॉम इंडिया हु ओरिजिनली हेल्स फ्रॉम मणिपुर. शी इज चेंजिंग द वर्ल्ड विद हर कर्मा. Shouldn't we all? If you like this video, please share it with your friends. Please smash that subscribe button and let me know who would you like me to cover in this series of Karma Talks. I'm going to talk about a lot of people. कई लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ मैं. तो Karma Talks के इस एपिसोड में बस इतना ही. अगले एपिसोड में मैं फिर से लेके आऊंगा एक बहुत ही इंस्पायरिंग ऐसी कहानी किसी ऐसे भारतीय से या फिर दुनिया के किसी कोने से जो हमें इंस्पायर कर रही है, जो हमें पॉजिटिविटी दे रही है. इस लॉकडाउन के दरमियान जायज सी बात है कि न्यूज देख के आप घर पे बैठे हो तो बहुत नेगेटिव फील हो सकते हो, बहुत होपलेस फील कर सकते हैं. बट दीज आर द स्टोरीज थ्रू विच आई एम होपिंग दैट यू फील अ लिटिल मोर होपफुल एंड यू फील अ लिटिल मोर इंस्पायर्ड.